आज के प्रोग्राम जो दो दिन का प्रोग्राम है, सेमिनार है, इसके अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के किरणजीत सिंह जी गहरी जी हमारे बीच में है। सर, आपका यहाँ आने का आज का क्या तात्पर्य है? आप यहाँ जो आए हैं, आप पार्टी अलग है और सारा संगठन अलग चला रहे हैं, आज महामहिम का भी यहाँ भाषण हुआ, तो आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे, इस कार्यक्रम का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जी, एक तो। दूसरा, इस फोरम में हम लोग भी हैं, आज से नहीं, जब से फोरम बना है तब से हम इसमें हैं। मतलब जो MLA MPs का जैसे जो फोरम ये बना है, फोरम SC ST MLAs का जो फोरम है, इसमें फोरम में चरणजीत अटवाल साहब जो हैं डिप्टी स्पीकर रहे हैं, लोकसभा के पंजाब विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, उनके बेटे हैं इंद्र अटवाल जी, इनकी सोच जो है वो पार्टी से ऊपर उठकर है, ये बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं। इन्होंने सबको पार्टी के नाम से नहीं बुलाया, सब लोगों को बुलाया कि बाबा साहब का संविधान का दिन मना रहे हैं। इसमें बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर लोग, SC ST एम्प्लॉइज़ के लोग, अलग अलग पार्टीज़ के लोग, कांग्रेस के लोग भी आपको देखे बैठे मिले होंगे, तो सारे लोग यहाँ आए हैं। तो इस मकसद में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो एहसान है, जो उनका कर्ज है, उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो हमारा यहाँ आने का मकसद कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया पवित्र संविधान, उसका डे है, उसका दिन है। गहरी जी, वो जब बाबा साहब का, चाहे 14 अप्रैल है या 6 दिसंबर है, या जैसे आज ये प्रोग्राम है 26 नवंबर या 27 नवंबर मना रहे हैं, एक दिन मनाने के बाद में जो नेता अपनी स्पीच देने के बाद में फिर आम जनता की तरफ वो मोड़ के भी नहीं देखते हैं, तो एक दिन मनाने से ही काम चल जाएगा, बाबा साहब के जो सपने वो पूरे हो जाएंगे? आपने जो बात को उठाया कि बात आप ठीक, कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इस बात को कम से कम नहीं मानता, क्योंकि हम लोग रामविलास पासवान जी के साथ मैं 28 साल से हूँ, 30 साल से हूँ, हम लोग हमेशा ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर काम करते रहते हैं, और जमीन स्तर पर करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, अनेक बार जेल जा चुके हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हुआ, ये बात आपकी ठीक है। जो नेता लोग हैं, आज मैंने राष्ट्रपति जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, अटवाल साहब को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, विजय सांपला जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही, अपने दिल से कही, अपने दिल से जो बात कही, बहुत बड़ा मैसेज लोगों में यह इसका गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये जो लोग जो बात कह रहे हैं, इतने बड़े नेता कह रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मकसद था, उन्होंने जो नारा दिया, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, वो कहते पहले एजुकेशन की बात करते, लेकिन एजुकेशन का इतना हाल जो है बुरा है हमारे देश में, दो तरह के इंडिया बन चुके हैं, एक इंडिया अमीरों का, एक इंडिया गरीबों का, एक भारत हो गया, एक इंडिया हो गया। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, करीब जो अपने पहले जो हम बता रहे हैं अटवाल साहब की, एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ, UPA सरकार जब थी पिछले समय, एक राइट ऑफ एजुकेशन जो एक्ट आया कि एजुकेशन जरूरी है, उस एक्ट में क्या कर दिया था कि 8वीं तक बच्चे को प्रमोट करना है, पास नहीं करना, कोई पेपर नहीं लेना। हाँ, वो पॉलिसी जो आया था, वो पॉलिसी जो थी सरकारी स्कूलों में इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? SC ST के लोग पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जमीन को कमज़ोर करने वाली बात। जब वो एक्ट बना, उसी टाइम से हम लोग एजुकेशन करना शुरू किया। अटवाल साहब ने, रामविलास पासवान जी ने MPs की, MLAs की मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद सरकार तक बात को हम लेके गए, लेकिन मैं NDA सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसमें, इन्होंने अभी इसको चेंज कर दिया है, लेकिन अटवाल साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोगों ने जमीन सदर एजुकेशन आंदोलन भी किया, सरकार तक बात भी ले गए, लेकिन जब तक एजुकेशन सिस्टम एक नहीं होगा, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता। चिरंजीत जी, जैसा आपने बताया एजुकेशन का, सब मन से बोलते हैं कि वो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, कौन कौन से? एक तो शिक्षा का, एक वो संगठित रहने का, और एक संघर्ष करने का। सब मन से बोल जाते हैं कि भई शिक्षा लेनी है, शिक्षा कैसे लेनी है जब उनके पास कोई सुविधा नहीं है, गांव देहात के अंदर नहीं। आज इतने बड़े बड़े हॉलों के अंदर हम पंचायतें कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन गांव देहात की तरफ कौन देखेगा? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, हर आदमी को करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने किया। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम जो लोग ज़मीन पे हम काम करते हैं, हमारे SC मिशन के चेयरमैन पंजाब के रजेश बागा जी आए हुए हैं, हम लोगों ने एक काम किया कि डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन महासंघ का की स्थापना की। उस स्थापना से हमने जो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सरकार दे रही है, वो सरकार स्कीम तो दे रही है, लेकिन जो कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने संघ बनाया, संघ बनाने के बाद उसके पहले पंजाब में 20,000 बच्चे एडमिशन लेते थे,
लेकिन आज 3.5 लाख बच्चा एडमिशन ले गया हमारे लोगों की कोशिश से कि वो आज 110 MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, एक पायलट बना, अखबार ने पढ़ा होगा, कैसी कमीशन के दखल से, एजुकेशन महासंघ के दखल से। हम लोग जमीन स्तर पर काम सार को करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं। हम लोग एक बात और कहते हैं, जब वी पी सिंह जी सरकार बनी थी, वी पी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान जी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, तो उस टाइम शायद आपको याद होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भवन बनाए गए। लेकिन वो भवन तो बन गए, लेकिन भवन बन गए लेकिन उसका भवन का बिल कोई नहीं भरता, वो सिर्फ बिल्डिंग पड़ी हुई है। हम लोगों ने एक बात उठाई, 125वीं जयंती जब मनाई गई तो उस टाइम हम लोगों ने बात बना के उस भवन में गरीब बच्चों के लिए IAS IPS PCS यानी कि हायर एजुकेशन के फ्री कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए, उनसे पढ़ के बच्चे जो है वो उच्च स्तर पर एजुकेशन जी वो ले सकें, वो एजुकेशन ले सकें। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, निजी कोचिंग सेंटर को देखिए, कोई भी गरीब अपने बच्चे को कोई एजुकेशन का कोचिंग सेंटर में IAS में भी किसी भी तरह की कोचिंग नहीं दिला सकता। इसलिए उन अम्बेडकर भवनों में एजुकेशन कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। और एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात मैं कहता हूँ, जिस दिन कि पंजाब केंद्र की सरकार ने कहा एक देश एक टैक्स, कितना हल्ला हुआ, एक देश एक टैक्स, मैंने उसी दिन कहा एक देश और एक टैक्स की जब बात हो सकती है तो एक देश इक्वल एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो सकती, इक्वल एजुकेशन की बात होनी चाहिए, ये बाबा साहब का सपना है। धन्यवाद सर।